भाई जैसे ही हमारे देश पे कोई भी आपदा आती है, हमारे बॉलीवुड स्टार, साउथ के स्टार, पंजाबी स्टार्स, राजस्थानी स्टार्स, यानी सारे रीजनल स्टार एक हो जाते हैं। और हमारे भोजपुरिया स्टार्स तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और देश में कोई भी तकलीफ को वो अपना समझकर भाई जब दान देने की बात आती है तो बढ़ चढ़ कर दान भी देते हैं। तो अब ये खबर आ रही है, जिस तरह से साउथ फिल्मों के एक्टर प्रभास प्रधानमंत्री के राहत कोष में 4 करोड़ का दान देते नज़र आ रहे हैं, अल्लू अर्जुन 1.5 करोड़ का, उसी तरह से भाई सुनने में आ रहा है कि 80 लाख रुपए का दान पवन सिंह ने किया है प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना वायरस के लिए। जी हाँ, और खेसारी लाल यादव के लिए सुनने में आ रहा है कि 50 लाख का, और अक्षरा सिंह ने बिहार सरकार को अपनी तरफ से 1 लाख का चेक दिया है, बतौर दान दिया है। लोगों ने इसके लिए अक्षरा सिंह को ट्रोल भी किया, कहा कि ये सारी चीज़ें जिस तरह से खेसारी और पवन कर रहे हैं, न किसी को बताया लेकिन गुपचुप दान किया, तो ठीक उसी तरह से अक्षरा सिंह को भी करना चाहिए था। लेकिन भाई जब भी हमारी भोजपुरी हीरोइनें कुछ करती हैं उस पर सवाल उठने लगता है। ये जो फोटो अक्षरा सिंह ने पोस्ट की है वो इसलिए नहीं की है कि वो 1 लाख रुपये का दान दे रही है, वो इसलिए की है कि जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि अक्षरा सिंह सिर्फ बोल रही हैं और वो झूठ बोल रही हैं, ये उनके लिए है कि नहीं भाई अक्षरा सिंह ने दान किया है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अक्षरा सिंह ने सभी को मास्क बांटा, और अब अक्षरा सिंह ने 1 लाख रुपए का दान दिया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन भोजपुरी जगत के कई और सेलिब्रिटी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जहां ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें राशन मुहैया कराएंगे। जी हां, राशन की ही बात आ गई है तो हम आपको बता दें कि सौरभ गांगुली ने 50 लाख रुपए का अनाज दान देने की घोषणा की है, तो वहीं कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी 50 लाख रुपए का दान प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए किया है। आप भी ये दान कर सकते हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।